इनको कोई समस्या ना हो उनके, इसलिए कि इस पर्व जो है महिलाओं के लिए मेन ज़्यादातर ये होता है, करती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, छोटे बच्चे, इनके देखते हुए, छोटे बच्चों को, महिलाओं को देखते हुए यहाँ डॉक्टर मंजीत रंजन साहब, डॉक्टर शाहनवाज आलम दवा के साथ कि कहीं कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये खड़े हैं। दातुन की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था की गई है, ये जन सुराज की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग छठ का व्रत रखे हुए हैं, जो आस्था के पर्व को मनाने आए हैं, उनके हम हर प्रकार से सेवा कर पाए। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया, हमको बहुत अच्छा, शाम के अर्घ देने पहली बार लाइफ में लगा कि अच्छा काम। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। लगातार हम देख रहे हैं सिवान के छठ घाटों से, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिवान के घाटों पर लोग पहुँचे हुए और किस अंदाज में यहाँ पे शिविर भी लगाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं, जन सुराज का जो शिविर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और उसका शिविर लगाया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डॉक्टर शाहनवाज आलम है, डॉक्टर मंजीत जी हैं, इंतखाब आलम है, तमाम लोग यहाँ पे, राजन जी हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और शिविर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दवा से लेकर के और पानी से लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो सब कुछ यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले हम इंतखाब जी से बात करते हैं कि शिविर में क्या कुछ व्यवस्था आप लोग रखे हुए हैं जन सुराज की। जन सुराज को सबसे पहले जन सुराज पार्टी की तरफ से छठ व्रतियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से छठ हुआ उनका हो रहा है, उनका स्वागत में हम लोग लगे हैं। इस जो कैंप लगाने का मकसद जन सुराज का है, छठ व्रती जो कैंप यहाँ आए हैं शिवरसा मंदिर पर या पुरवा घाट पर, इनको कोई समस्या ना हो उनके, इसलिए कि इस पर्व जो है महिलाओं के लिए मेन ज़्यादातर ये होता है, करती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, छोटे बच्चे, इनके देखते हुए, छोटे बच्चों को, महिलाओं को देखते हुए यहाँ डॉक्टर मंजीत रंजन साहब, डॉक्टर शाहनवाज आलम दवा के साथ कि कहीं कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये खड़े हैं। हम लोग जो हैं पानी के साथ खड़े हैं, जाहिर सी बात है 2-3 घंटे लोग बैठे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े लोग हैं उनके लिए पानी पिला रहे हैं। अभी सुबह इनको दातुन का व्यवस्था किए हुए हैं, आम के दातुन का व्यवस्था रहेगा, दूध, गाय के दूध का, कच्चा गाय के दूध का व्यवस्था रखे हैं लोग, चाय का व्यवस्था रखे हैं लोग यहाँ पर, और जिस तरह की समस्या इनको आएगी उनके लिए हम लोग तत्पर हैं। जन सुराज पार्टी की तरफ से उनकी सेवा के लिए खड़े हैं हम लोग। चौहान जी क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले ये जो है भारत के सबसे छठ महापर्व है, हम लोग सारा जो है पानी का व्यवस्था किए हैं और चाय का, दातुन का सब व्यवस्था किए हैं। उसी पर बाकी डॉक्टर सर, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब, मंजीत चलो डॉक्टर सारा जो व्यवस्था हम लोग किए हैं, सुबह चाय का व्यवस्था, दातुन का व्यवस्था, सब लोग अपना कोई भी छठ व्रती का परेशानी हो उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज आलम, डॉक्टर मंजीत रंजन और अभी यहाँ भी देख सकते हैं जो पुराने नेता रह चुके हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जन सुराज का जो शिविर लगाया गया है यहाँ पे पहुँच कर छठ व्रतियों को यहाँ पे दवाई से लेकर के और पानी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वितरण करने का काम कर रहे हैं। शाहनवाज जी से बात कर लेते हैं, क्या सर कहना चाहेंगे, आप लोग आए हुए हैं छठ व्रत के मौके पर और यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्य के लोगों को मैं छठ की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि छठ व्रत रखने वालों के लिए हम लोग आज सेवा का एक मौका हम लोगों को मिला है। तो जन सुराज की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है, जो माताएं बहनें छठ का व्रत रखने आई हैं उनके साथ छोटे बच्चे आए हैं उनको कोई मेडिकल परेशानी ना हो इसके लिए डॉक्टरों की टीम यहां मौजूद है। पिछले साल की भांति इस साल भी यहां सुबह के लिए कच्चे दूध की व्यवस्था, आम के दातुन की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था की गई है। ये जन सुराज की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग छठ का व्रत रखे हुए हैं, जो आस्था के पर्व को मनाने आए हैं, उनके हम हर प्रकार से सेवा कर पाए। राजन जी क्या कहेंगे बताइए, जन सुराज का शिविर लगाया गया है, तमाम तरह की सुविधाएं।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चन दुःख नास्ति। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी के जीवन की मंगल की कामना की जाती है, सबके जीवन में प्रकाश भगवान भास्कर की तरह आलोकित रहे और उनका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ जन सुराज पूरे संसार वासियों के लिए प्रार्थना करता है भगवान भास्कर से कि सबके जीवन में प्रकाश और आनंद उल्लासित रहे। डॉक्टर मंजीत जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी को? आप लोग स्वयं यहाँ पे लगे की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। एक ऊपर वालों ने अच्छा मौका दिया की तरफ से सेवा करने का। आप हम लोग सभी छठ भक्तियों तरफ से जितनी व्यवस्था की सारी मनोकामनाएं रवि और इतनी आवाज आ रही है क्या बात के द्वारा पूरी हो और बार बताएंगे हम सभी जिलावासियों को मेरे तरफ से जनता ऐसा लग रहा है यहाँ पे आकर के सर सेवा कर रहे। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, भास्कर पहली बार आया, हमको बहुत अच्छा शाम के अर्घ देने के लाइफ में लगा कि अच्छा काम अभी का ये महापर्व छठ पूजा। आप सभी माताओं एवं बहनों की सारी मनोकामना भगवान भास्कर पूरी करे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, डॉक्टर सब आए हैं। जिसको भी कोई गरीब बच्चे को है वो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पर सेवा करते हैं। और ये जो है पूरी छठ व्रती जो पूजा करते हैं, महापर्व है छठ व्रत। ये जो भी मन्नत पूरा मन्नत से जो उपासना करते हैं वो छठी मैया उसको पूरा करती है। ऐसे लोग बहुत डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि ये माँ जो है सो छठी मैया जो भी मन्नत करते हैं उसको पूरा करती है। इसको लेकर के सभी लोग डर से उनकी मन्नत मांगते हैं, इसलिए कि उनको मन्नत पूरा होता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि एक बार फिर से हम चाहेंगे जोगिंदर जी, डॉक्टर मंजीत रंजन जी, डॉक्टर शानवाज आलम हैं, इंतखाब जी हैं, तमाम लोग, नरसिंह चौहान जी हैं, और तमाम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और जन सुराज के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया गया और यहाँ पे जो सुविधाएं होंगी वो छठ व्रती महिलाओं को यहाँ से दी जाएंगी। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869470।